के गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बैंक ऑफ इंडिया के सामने से बाइक पर सवार बच्चे लापता हो गए। घटना 2 मार्च की बताई जा रही है, जिससे कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं सूत्रों की माने तो बच्चे के पिता निरंजन सिंह थाना में आवेदन दे चुके हैं। बीते दिन मंगलवार को गोगरी थाना पहुंचकर SP अमितेश कुमार से आशीष की माता सबनम कुमारी ने कहा कि अगर इस जगह आपके बच्चे होते तो आप क्या करते। वहीं SP के द्वारा भरोसा दिया गया कि मैं पटना में सभी टीम को जानकारी दे चुका हूँ। और वहीं सबनम ने कहा कि अभी तक पुलिस पदाधिकारी चैन की नींद सोई हुई है। बीते दिन जब मेरे पति के द्वारा कहा गया तो गोगरी थाना प्रभारी ने कहा कि मैं कहाँ खोजूं। सुइया हरा जाता है, अगर सुइया आप खोज लीजिएगा, कोई आदमी कुछ करके जाता है उसको खोज लेते हैं। मेरा बच्चा दूसरे तरफ कह रहा है, अभी तक काहे खोजे पुलिस ने इस बात का ठेका नहीं लिया हुआ है कि कोई वो बच्चा कहाँ चला गया, वो हमारे वो जो जांच का बिंदु है वो हर एक बिंदु पे काम हुआ है। SDPO ने खुद जाकर के कैमरा देखा, क्या ये बात सही नहीं है? हाँ, सही सही है ना। तो जो भी जांच के बिंदु हैं पुलिस ने उनका पालन किया है। हमने पेपर में भी फोटो के साथ खबर छापी है, हमने मीडिया ग्रुप में भी फोटो शेयर किया है, हमने जो है यहाँ से पटना तक के सभी पेपर में इस बात को प्रचारित किया है। तो इसके बाद आप इस तरह से जो रवैया अभी दिखा रही हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अपेक्षा भी नहीं है। SDPO ने जाकर के कैमरा देखा है, ये प्रयास आधारित है। अगर आप मेरा बच्चा नहीं रहता, आपका बच्चा रहता तो आप क्या करते जो मेरे जगह से? मैडम जो मैंने अभी बोला वही करता, तब जो मैंने बोला वही करता। और इसके बाद मुझे कुछ बात करने की आप जरूरत नहीं है।